तो स्वागत है गाइस आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई वर्सेस गुजरात के ड्रीम इलेवन प्रिडिक्शन की। आज आपको हम ऐसे टीम दे देंगे कि आपको ग्रैंड लीग जीतने में से कोई नहीं रोक सकता। और फर्स्ट में हम टीम बनाएंगे गुजरात के तरफ से हम बनाएंगे। यहाँ से पिच बैलेंस है, बैटिंग पिच है, प्लस यहाँ पर फास्ट बॉलर चलेंगे, ठीक है, ठीक ठाक ही चलेंगे। मतलब आपको ऐसे टीम बनाना है कि यहाँ पर गुजरात जीतेगी। जैसे गुजरात के सब बॉलर उठाना है, शमी हो गया, नूर अहमद हो गया, उसके बाद में मोहित शर्मा हो गया, ये हम चार प्लेयर उठा दें। ऑलराउंडर पे क्रिस ग्रीन और हार्दिक पांडे उठाएंगे, क्योंकि क्रिस ग्रीन की ये है कि बैटिंग प्लस बॉलिंग भी है, हार्दिक पांडे भी सेम है, बैटिंग प्लस बॉलिंग भी करेगा प्लस पॉइंट भी दे देगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अगली बैटिंग पे। यहाँ पर बैटिंग पे आ जाए, बैटिंग पे सूर्य कुमार यादव ले लिया, रोहित शर्मा ले लिया, और जैसे हम गुजरात को जिता रहे हैं तो सुमन गिल को ले लिया हम, और यहाँ से ईशान किशन और रिद्धिमान शाह को ले लिया। ईशान किशन को इसलिए ले रहा हूँ मैं कि ईशान किशन थोड़ा सा विकेट कीपर से भी पॉइंट दे देगा, प्लस पहले आके ओपनिंग में आके 15-20 रन मारेगा तो मतलब थोड़ा पॉइंट वहाँ से भी दे देगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आती है, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आ रही है। अब हम गुजरात को जिता रहे हैं तो वहाँ के ओपनर जिला रहे हैं, ओपनर के लिए अब गिल को प्लस रिद्धिमान शाह को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा पहला टीम के लिए ये रहा। और हम अब जैसे कि गुजरात टाइटल्स तो जीतेगी, पर वहाँ से मुंबई वाले की पूरी अगर वो चले जाते हैं क्या विकेट, तो भाई विकेट तो लेगा, तो कोई ना कोई तो मतलब 2-3 विकेट तो लेगा, गुच्छे में विकेट लेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बॉलर को प्लस ओपनर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। जैसे फास्ट बॉलर चलेंगे तो फास्ट बॉलर के लिए या तो हम हार्दिक पांडे को कर सकते हैं, और नहीं तो या तो रशीद खान को भी कर सकते हैं, या मोहम्मद शमी को भी कर सकते हैं। तो मोहम्मद शमी को मैंने इसलिए लिया कि ओपनर में शुरू में मतलब 3-4 विकेट गुच्छे में ले जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने टीम बना रखी है, ठीक है। ये होगी दूसरी टीम गुजरात की तरफ से। अब बनाएंगे हम एक मुंबई की तरफ से। मुंबई पहले बॉलिंग करेगा तो क्या करेंगे, मुंबई के पहले रशीद खान तो लेना ही है, प्लस चावला हो गया, और बाकी यहाँ से क्रिस जोर्डन को डालेंगे, पिछले मैच अच्छा था, वेंड्रॉप को डालेंगे, पिछले मैच अच्छा था इनका। ये मुंबई की तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि हमें दो तरफ से ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ऑलराउंडर पे दो ही हो गए, पांडे और क्रिस ग्रीन, बाकी आपके ईशान किशन रोहित शर्मा प्लस सूर्य कुमार यादव को डालेंगे और सुमन गिल को डालेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, बाकी विकेट कीपर में हो गया ईशान किशन, क्योंकि हम जो ओपनर जिता रहे हैं, प्लस बॉलर में हम एक, अब बॉलर में ये है कि यार को जो खेलेगा ना हम उसको डालेंगे। यहाँ से शायद ए मंडल खेलेगा, मंडल ये है तो बढ़िया पेसर बॉलर है, लास्ट में डेथ में बॉलिंग करेगा तो मतलब 2-3 विकेट ले जाएगा, ठीक है। ये मुंबई की तरफ से हो गया, ठीक है। और मुंबई की तरफ से हमने कैप्टन वाइस कैप्टन किसको किया, ईशान किशन और रोहित शर्मा को ये बना दिया, ठीक है। ये हमारे मुंबई की तरफ से टीम रहा, आप देख सकते हो। बाकी सारा कुछ टेलीग्राम में मिलेगा, जाके पांडे ड्रीम इलेवन टीम सर्च कर लेना, वहाँ पे आ जाएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।